नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर सीपी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, जो आपके पटवारी, पुलिस, रीट व ग्राम सेवक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो आपकी सफलता 100% प्रिपरेशन कराने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। ये आपके क्वेश्चन में 2 दिनों के अंदर एक वीडियो अपलोडिंग करूंगा, जो 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें 50 राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पूछा जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस चैनल पर, एजुकेशन फॉर चैनल पर, राजस्थान जीके का पार्ट 1 है वो आपके बीच में लेके आए हैं। तो देखते हैं राजस्थान का पहला क्वेश्चन। आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धराज को। किसको? सिद्धराज को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सांगानेर किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? इसका उत्तर है मोजमाबाद। इसका उत्तर क्या है? मोजमाबाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कानरदेव। इसका उत्तर कौन सा है? कानरदेव। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा विमल शाह। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कछवा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई हुई थी? वह था पृथ्वीराज। अगला आता है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं था? प्रताप सिंह राजस्थान के थे, रामनारायण चौधरी राजस्थान के थे, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के थे। तो गणेश देवसकर है वो राजस्थान के नहीं थे। अगला 7वां नंबर है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो सावंड में हुई थी। अगला है 8 नंबर, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक का है, ये हस्मत वाला राजा, इसको क्या है? हस्मत वाला राजा कहा था, वो कहा था महादेव को हस्मत वाला राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? ये कहा था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? 1562 में किया था। भारमल ने अपनी पुत्री है जोधाबाई का विवाह कब किया था? 1562 ईस्वी में किया था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। अगला आ जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर की स्थापना 1459 में की गई थी। कब की गई? राव जोधा ने की थी 1459 में। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने की थी। किस तिथि को वेड़ा सम्मेलन हुआ था? वेड़ा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1737 को। वेड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 16 जुलाई 1737 को। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था? वो किया था आमेर में, सबसे पहले भारमल ने, उन्होंने मुगलों का सबसे पहले समर्पण किया था और उनका सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? वह राव सूड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर कृति किस कवि की? वंश भास्कर किसने लिखी थी? वो लिखी थी चंद्रबरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी, नहीं सॉरी सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। वंश भास्कर है वो लिखी थी सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। अगला है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? वो है राजप्रशस्ति। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? वो है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में बारट का उल्लेख मिलता है? वो लिखता है महाभारत में मिलता है। किस प्राचीन ग्रंथ में बारट का उल्लेख मिलता है? वो है महाभारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? वो था हेमू विक्रमादित्य। भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था?
हेमु विक्रमादित्य। मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किसने किया है? चंद्रबरदाई ने किया। किसने किया है? चंद्रबरदाई ने किया है। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की थी अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? वो है पाली के अंदर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो कर रहा मारणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? मारणा कुंभा ने करवाया था। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। 29 नंबर क्वेश्चन है, मारणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? 1733 ईस्वी में हुआ था मारणा कुंभा का राज्यारोहण। एकलिंग महामात्य का लेखक कौन था? एकलिंग महामात्य का लेखक था मारणा सांगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पन्ना दाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? वो की थी उदय सिंह की थी। अगला क्वेश्चन है, कानड़े प्रबंध की रचना किसने की थी? वो की थी पद्मनाभ ने की थी। कानड़े प्रबंध की रचना है पद्मनाभ ने की थी। अगला है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल है वह मुनोट नैनसी को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल है किसको कहते हैं? मुनोट नैनसी को। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज दासों की रचना किसने की थी? वो की थी चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। अब आता है अगला 35 नंबर क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने, यहाँ पर है ढूंढाड़ क्या लिखा हुआ है? ढूंढाड़ लिखा हुआ है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। ढूंढाड़ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1137 में। ढूंढाड़ की स्थापना कब हुई थी? 1137 में हुई थी। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी 1818 में हुई थी। अगला है, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? किस राज्य करौली ने वो अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? वो था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वेलेजली। राज्य में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत है नसीराबाद से होने से हुई थी। अगला क्वेश्चन, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया? आउवा में कर दिया गया था जीएस मैकमोशन का कर दिया गया। आउवा में मैकमोशन का है वध कर दिया गया था खुशाल सिंह के द्वारा। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? बर्टन की हत्या कर दी गई थी कोटा में। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया विजय सिंह पथिक ने किया। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने किया था। चेतावनी रचुंगटिया किसकी रचना है? वो केसर सिंह बारट की है। चेतावनी रचुंगटिया है केसर सिंह बारट की है। अगला, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 18 मार्च है 1948 को हुई थी। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? अहिछत्रपुर के नाम से वो है नागौर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर कहा जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है सोने का युग कहते हैं वो कहते हैं गुप्त काल को। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकोण से। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकोण से मानी है। अगला है 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह कुलह की नीति अपनाई थी। कौन सी? सुलह और कुलह। ये अंतिम आपने हमने क्वेश्चन देखे हैं। 50 क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कारगर साबित होंगे। यदि आपको PDF चाहिए है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी डाल दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।